नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम के नेतृत्व में नगर पंचायत प्रशासन की टीम ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर नगर में अभियान चलाया। टीम ने दुकानदारों के द्वारा नाले से बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण करके रखे गए सामान को हटा दिया। इस दौरान टीम और दुकानदारों के बीच कई जगह नोकझोंक भी दिखाई दी। सभी दुकानदारों को चेतावनी दे दी गई है कि यदि फुटपाथ पर उन्होंने अतिक्रमण करने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ चालान भी किया जाएगा। क्योंकि देखिए क्या, ये हमारा मेन रोड है, हाईवे की रोड है और इसमें ऐसा अतिक्रमण कर रखा है। बिल्कुल लोगों को आते हाथ में इतनी असुविधाएं हो रही है, तो इसलिए आज एक अतिक्रमण, इनका जो अतिक्रमण कर रखा है ना रोडों को, इसमें से सामान हटाने का एक करवाया जा रहा है। अगर तो फिर हम इनकी चालान कर देंगे। वहीं पौड़ी में परिवहन विभाग ने खनन कार्य में लगी दो ऐसी जेसीबी मशीनों को सीज किया जिनकी नंबर प्लेट में अंकित नंबर एक ही थे। हैरत की बात यह है कि दोनों जेसीबी मशीन एक ही स्थान से परिवहन विभाग ने बरामद की है जो कि खनन कार्य में लगी हुई थी, जिससे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जेसीबी मालिक की अगर इस प्रकरण में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो उसने इसकी शिकायत आखिर क्यों नहीं की और मामले में चुप्पी अब तक क्यों साधी रही है। वहीं गड़बड़ी होने के प्रकरण पर परिवहन विभाग के आरटीओ राजीव मेहरा का कहना है कि वे इस प्रकरण की जांच करवा रहे हैं। वहीं जांच पूरी होने तक जेसीबी को जब्त किया गया है। अगर नंबर प्लेट ही फर्जी पाई गई तो जेसीबी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो प्रवर्तन अधिकारी हैं उन्होंने दो जेसीबी को जो है बंद किया है, जो आपके सिद्धनगर क्षेत्र में जो है मार्ग संचालित थी, और दोनों जो जेसीबी हैं उन पर एक ही पंजा नंबर अंकित था, तो ये अपने आप में एक टाइप की फोर्जरी भी है। तो अब हम इसकी जो है क्रॉस टैग जो तहकीकात कर रहे हैं इसके लिए और उसकी रिपोर्ट हम बना के जो हमारे जो आरटीओ एनफोर्समेंट है उस पर फर्दर कार्रवाई करेंगे। सर परिवर्तन कार्य है ये तो हमारे 365 दिन लगता है और हमारे इंस्ट्रक्शन भी अपने प्रवर्तन अधिकारी को हैं कि वो केवल मुख्य मार्गों पर ही चेकिंग न करें। जो हमारी जितनी ब्रांच रोड हैं आप देखते हैं कि राज्य बनने के बाद ना नई नई रोडों का निर्माण हुआ है, वो काफ़ी दूरस्थ स्थानों पर जो जहाँ पहले अप्रोच नहीं थी वहाँ भी रोडें बन गई हैं। तो हमारा एक इंस्ट्रक्शन रहता है अपने प्रवर्तन अधिकारी को कि उन मार्गों पर जाकर जो प्रवर्तन कार्य करें, जिससे कोई भी ऐसा वाहन जो हमारे मोटर वैन अधिनियम है उसके जो उल्लंघन करता है कार्रवाई करें, उसको बंद करें। कर्णप्रयाग में 3 दिवसीय बैसाखी धार्मिक पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ हो गया है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के स्वागत में स्कूली बच्चों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया और संस्कृति प्रस्तुत की। खालसा सृजना दिवस बैसाखी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें रणजीत अखाड़ा का बेगम पाइपर बैंड पंजाब से आया आकर्षण का केंद्र रहा। नगर व ग्रामीण क्षेत्र की संगत ने बैसाखी पर्व पर खालसा चेतना मार्ग नगर कीर्तन सितारगंज क्षेत्र में धूमधाम से शामिल होकर और गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। खालसा चेतना मार्ग नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सितारगंज से प्रारंभ होकर श्री नानक मत्ता साहिब तक पैदल भजन कीर्तन करते हुए पहुंचे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में निकाले जाने वाले खालसा चेतना मार्ग में गतका पार्टी रणजीत अखाड़ा पंजाब का बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। जी ने आज के दिन जो सिख पंथ की जो रचना रची थी, यह आज उसका महत्वपूर्ण दिन है और मैं सभी सिख पंथ भाइयों को, सभी समाज के सभी लोगों को बधाई देता हूं और ऐसे महान हमारे गुरुओं ने जो इस पंथ की स्थापना कर हमारे देश के अंदर एक ऐसा पंथ बनाया जो हिंदू धर्म के लिए हमेशा अपने देश के लड़ने के लिए हमेशा अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार रहता है। पर्व है उसको हम बैसाखी पर्व बोलते हैं। सिखों की जो सृजना हुई थी आज के दिन हुई थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने आज के दिन 5 प्यारों को अमृत छका के आज सिख धर्म की जो है वो रचना की थी। आज ही के तारीख से जो था हमारा जो सिख धर्म है वो उत्पन्न हुआ था और 5 प्यारों के रूप में विकसित हुआ था, जिसको पूरा सिख समाज पूरी दुनिया जो है बढ़ चढ़ के इस दिन को बड़ी खुशी के साथ मनाती है। और साथ साथ वैसे भी काश्तकार इसलिए करता है, मनाता है कि भाई फसल आ गई, फसल कटने का टाइम होता है, बड़ा शुभ लक्षण होते हैं ये
बिजनेसमैन इसलिए करता है कि काशकार आ रहा है, पैसे की अराइवल आ रही है, तो हर दृष्टिकोण से ये जो दिन है एक अपना विशेष महत्व रखता है। और विशेष इसका मनाने का कारण यही है कि जो सिख धर्म की जो हुई थी वो आज के दिन हुई। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के तत्वाधान में गुरुद्वारा गोविंद घाट में पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी ने बैसाखी पर्व मनाया और अरदास के बाद घघरिया के लिए प्रस्थान किया। ये टुकड़ी सूबेदार जगसीर सिंह एवं हवलदार मलकीत सिंह के नेतृत्व में बर्फ कटान का कार्य कर यात्रा प्रारंभ करने के लिए रास्ता सुगम बनाएगी। परंपरा रही है कि ये सेवा शुरू से भारतीय सेना निभाती आ रही है। ट्रस्ट के सेवादार भी सेना के जवानों के साथ प्रस्थान कर गए हैं। गोविंद घाट गुरुद्वारा के प्रबंधक सेवा सिंह ने सभी जवानों का अभिनंदन कर उनका धन्यवाद दिया। इस साल यात्रा 19 मई को शुरू हो रही है। वहीं पूरे हरिद्वार में धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जो कि 131वीं जयंती है धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने कैंप कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि बाबा साहब ने भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र की लड़ाई की जिम्मेदारी उठाई थी और संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 131वां जन्मदिवस आज हम मना रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए उसके नाते आज हमारे समाज के लोग IAS IPS PCS और अनेकों पदों पर उनकी बदौलत जाते हैं, तो वो हमारे भगवान हैं, देवता हैं और न्याय के देवता हैं जिन्होंने दलित समाज के साथ न्याय किया। देश के प्रधानमंत्री भी उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने एक नहीं अनेकों बार कहा कि यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। इस शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोटि कोटि आभार। आज देश दुनिया के भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। पीलीभीत में युवक का गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए कोतवाली की मौजूदगी में मर्डर होने की धमकी देना और फरसा निकालने की धमकी देता वीडियो वायरल हो रहा है। कोतवाल वहीं पर मौजूद है और युवक ऐसा कहते हुए सुनाई दे रहा है। मौजूदा चेयरमैन के बेटे पर शराब के नशे में गाली गलौज करने का आरोप युवक लगा रहा है। मौजूदा चेयरमैन और युवक के परिजनों में पिछले कई सालों से आपसी रंजिश चल रही है। जहानाबाद नगर पंचायत की भाजपा चेयरमैन ममता गुप्ता बताई जा रही है। पूरा मामला थाना जहानाबाद इलाके के बाजार कपड़ा बताया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने, आमजन की सुरक्षा को लेकर पुलिस गांव की ओर चल पड़ी है। ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा की जानकारी दे रही है। SP सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव बिलाई में पहुंचकर ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाई गई और ग्रामीणों को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, सभी लोग पुलिस का सहयोग करें। SP सिटी ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की भी जानकारी दी। अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी क्षेत्र के सराय रहमान में अप्रैल महीने में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने रोड जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी द्वितीय मोहसिन खान ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं की बात को गंभीरता से सुनते हुए उनकी समस्या को हल करने का आश्वासन दिया और नगर निगम से पानी के 3 टैंकरों को तत्काल ही बुलाकर
लोगों को पानी की जो यहाँ पर किल्लत हो रही थी उससे निजात दिलाने की कोशिश की है। और उनका कहना है कि लोगों को जिस तरह से पानी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस समस्या का जल्द ही निवारण वो करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है? अब नानों का महीना चल रहा है, फोन करते हैं घंटे बाद आधा घंटे बाद। अच्छा, 5 दिन से आप बता रही हैं ये किल्लत है, तो इसको लेकर आपने किसी से शिकायत किया? फिर क्या दिक्कत है? पानी नहीं है, पानी नहीं है। अभी आपने रोड जाम किया है, तो क्या पुलिस द्वारा कोई आश्वासन मिला पुलिस के द्वारा? अभी कह रहे हैं तब तक का टाइम बागपत में किशोरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। किशोरी के हत्यारे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी के अपने रिश्तेदार में एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हत्यारे भाई ने प्रेम प्रसंग के विरोध में तिलपनी गांव में छोटी बहन की देर रात हत्या कर दी थी। सिंघावली अहिर थाना पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।